टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतकर जब भारतीय टीम स्वदेश लौटी तो उसका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुंबई में आयोजित विक्ट्री परेड में प्रशंसकों का सैलाब देखने को मिला। वानखेड़े स्टेडियम बिना किसी मैच के खचाखच भरा हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्टेडियम में चैंपियन सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया था। इस मैदान में हार्दिक पांड्या भी मौजूद थे। उनके लिए लोगों में काफी दीवानगी थी, लेकिन करीब एक महीने पहले हार्दिक पांड्या को इसी मैदान पर कई बार ट्रॉलर्स का सामना करना पड़ा था। कुछ ही महीने पहले मुंबई के क्रिकेट फैंस हार्दिक पांड्या से काफी नाराज थे। दरअसल आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, लेकिन आज वही हार्दिक मुंबई में हीरो बनकर लौटे हैं। हाल ही में खत्म हुए टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पांड्या के शानदार प्रदर्शन, खासकर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 7 रन से जीत में उनकी भूमिका ने उन्हें फिर से फैंस का पसंदीदा बना दिया है। फाइनल में पांड्या ने 3 विकेट लिए, जिसमें हैरिन क्लासन, डेविड मिलर जैसे अहम बल्लेबाज शामिल थे। आखिरी विकेट गिरने का वह नजारा जब सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री लाइन पर एक शानदार कैच लपका, शायद भारतीय क्रिकेट फैंस बार बार देखना चाहेंगे। और उस ओवर को फेंकने वाले पांड्या को भी आसानी से नहीं भुलाया जाएगा। पांड्या ने वर्ल्ड कप 11 विकेट लेकर खत्म किया और इसके बाद जारी हुई आईसीसी रैंकिंग में उन्हें दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर के रूप में चुना गया। मुंबई में आयोजित विक्ट्री परेड में हार्दिक पांड्या का एक अलग ही रूप देखने को मिला, जहां वो ट्रॉफी पकड़कर फैंस को दिखा रहे थे और उनमें गर्व की भावना भर रहे थे। हार्दिक पांड्या ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने इस पोस्ट में कैप्शन में लिखा, भारत तुम मेरे लिए दुनिया हो, दिल की गहराइयों से तुम्हारे प्यार के लिए शुक्रिया। ये ऐसे पल हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बारिश के बावजूद हमारे साथ जश्न मनाने और आने के लिए शुक्रिया। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे साथ जश्न मनाने के लिए ही हम सब कुछ करते हैं। हम सब चैंपियन हैं। हम सभी 1.4 बिलियन लोग। शुक्रिया मुंबई, शुक्रिया भारत। 100 न्यूज़ की रिपोर्ट।